हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, अन अकेडमी एजुकेटर, हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ रोजाना की तरह डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 18 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ। ऑन अकेडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अन अकेडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एवरी कंपिटिशंस एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। साथियों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। वेयर वाज द इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल चेन्नई नासरी सिचुएटेड, विच नेम्ड आफ्टर भारतीय जनसंघ फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेन्नई नासरी कहां पर स्थित है, जिसका नाम भारतीय जनसंघ के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। और यह सुरंग है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑन NH-44 नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर। साथियों, इस सुरंग को 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। यह सुरंग लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है और इस सुरंग के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर के बीच की दूरी को लगभग 31 किलोमीटर तक कम किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ 9 सेवा सर्विसेज ट्रेन्स। 9 सेवा सर्विस ट्रेन्स को हरी झंडी किन्होंने दिखाई है? तो यह हरी झंडी दिखाई है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। और यह जो ट्रेन है, ये 9 सर्विस ट्रेन है, छोटे छोटे स्टेशनों पर चलेगी, जिनमें कि गुजरात का प्रमुख है, गुजरात का वडनगर प्रमुख है। वडनगर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। नेक्स्ट, विच एयरफोर्स इंडिया हैंडेड ओवर द सेकेंड पेयर ऑफ MiG-24V हेलीकॉप्टर। किस एयरफोर्स को भारत ने 2 MiG-24V हेलीकॉप्टर्स प्रदान किए हैं? तो वह किए अफगानिस्तान की अफगान एयरफोर्स को। और बात की जाए, यह हेलीकॉप्टर 2015 और 2016 में भारत द्वारा अफगानिस्तान को पहले गिफ्ट किए गए 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के स्थान पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, वेयर वाज द सिरोही लिली फेस्टिवल 2019 इनोग्रेटेड। तो 2019 जो सिरोही लिली फेस्टिवल है, वह कहां पर इनोग्रेटेड, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? मणिपुर के उख रूल में। और इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सिरुई वन गायन मैदान में किया है। नेक्स्ट, हु हैज रिसीव्ड हिज 6th गोल्डन शू एज द टॉप स्कोरर इन द यूरोपियन लीग। यूरोपियन लीग में छठा गोल्डन शू टॉप स्कोरर अवार्ड किसने जीता है? तो यह टॉप स्कोरर अवार्ड बार्सिलोना के कप्तान लियो मेसी ने जीता है और मेसी ने 36 गोल किए थे। नेक्स्ट, विच रैंक इंडिया गोट इन द वर्ल्ड विंग इंडेक्स WGI 2019।
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत ने 128 देशों की श्रृंखला में 82वीं रैंक हासिल की है। इसके बारे में बात की जाए तो पिछले एक दशक में भारत के औसत आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग 34% लोगों ने अपरिचितों की मदद की है, लगभग 24% लोगों ने पैसे दान दिए हैं और लगभग 19% लोगों ने अपना समय दिया है। और WGI के अनुसार, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अनुसार, म्यांमार, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, हु बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 100 इन वनडे क्रिकेट? वह कौन युवा क्रिकेटर है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 200 का स्कोर अर्जित किया है? तो वह यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल मुंबई की 17 वर्षीय खिलाड़ी है जिन्होंने यह कारनामा विजय हजारे ट्रॉफी में किया है। यशस्वी जायसवाल ने 154 बॉल्स में 203 रन बनाए जिनमें 12 सिक्स और 17 फोर्स शामिल है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन थर्ड SAFF U15 वुमेन्स चैंपियनशिप 2019? कौन सी टीम तीसरी SAFF अंडर 15 अंडर 15 वुमेन्स महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीती है? तो इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड द 48th एडिशन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट्स फेयर IHGF 2019? किसने 48वें भारतीय हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट मेला 2019 का उद्घाटन किया है? तो टेक्सटाइल सेक्रेटरी रवि कपूर ने, टेक्सटाइल मिनिस्टर वस्त्र सेक्रेटरी रवि कपूर ने। रवि कपूर, यह जो मेला है वह ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित हो रहा है। इस मेले में लगभग 110 देशों के 110 विदेशी खरीदार भी शामिल हैं, साथ ही साथ 3200 से अधिक भारतीय प्रदर्शक हैं। और नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वेयर इज द 129th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द मिस्टिक बर्ड फकीर लालन शाह ऑब्जर्व? फकीर लालन शाह की 129वीं डेथ एनिवर्सरी कहां पर आयोजित की जा रही है? बांग्लादेश में। फकीर शाह का जो जन्म है वह 1774 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1890 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स GK, जो कि आपकी सभी कंपिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द 41st DRDO डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस इन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 41वीं DRDO डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की है? कहां पर इसको आयोजित किया था? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों, जो भी आपका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर डालें और जो भी आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें। UV कंपटीशन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें।